देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के बाद अब पूर्वी राज्य झारखंड की बात करते हैं, जहां बीजेपी सीट बंटवारे पर स्पष्ट बढ़त ले चुकी है। आज बीजेपी ने झारखंड में एनडीए के दलों के बीच सीटों का ऐलान कर दिया। रांची में असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने इसका ऐलान किया। झारखंड में कुल 81 सीट है, बीजेपी 68 सीटों पर लड़ेगी। 10 सीटें आजसू को दी गई हैं, 2 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी और 1 सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू को तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम सीट मिली है, जबकि एलजेपी को चतरा सीट मिली है। आसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आसू अपना उम्मीदवार के 10 सीट में घोषित करे। जमशेदपुर वेस्ट और तमार जनता दल यू लड़े, लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा। बहुत घबराए हुए हैं और सबको समेट करके इस चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो 18 साल राज किया उसके पास तो न तो उम्मीदवार है और न उसके पास अपनी पूरी शक्ति है कि चुनाव लड़े। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। 3 राउंड हमारे आपस में बातचीत हुई और जो हमारे दूसरे हिस्सेदार है जेएमएम के बगैर, उनके साथ हम आज शाम तक बात कर रहे हैं, उनका व्यू क्या है, सो दैट कल लेट नाइट तक या परसों सुबह हमारा जो भी भागीदारी होगा वो क्लियर होगा। पूरे राज्य की भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। झारखंड में एनडीए से सीट बंटवारे में पिछड़ने के बाद अब झारखंड में इंडिया गठबंधन के दलों की आज बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वैसे सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीट शेयरिंग पर फैसला लगभग हो गया है। फॉर्मूले के तहत जेएमएम अपनी 3 सिटिंग सीटें माले को दे सकती है। पिछली बार जेएमएम 43 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सीटों की अदला बदली के बाद भी जेएमएम इस बार 43 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार आरजेडी ने 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर इस बार सीट उसे गठबंधन में 5 मिलने की संभावना है। सीपीआई माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा चुनाव में अंदरूनी कलह का नतीजा देखने के बाद कांग्रेस झारखंड और महाराष्ट्र में ऐसे किसी भी जोखिम से बचने की कोशिश कर रही है। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस ने अपने नेताओं को आपसी कलह से बचने और एकजुट होकर चुनाव में उतरने की नसीहत दी है। हरियाणा की हार से कांग्रेस दूसरे राज्यों में तो सबक लेना चाहती है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस नेताओं के बीच कलेश की मात्रा में किसी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन के लिए बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रताप सिंह बाजवा, अशोक गहलोत और अजय माकन भी पहुंचे, लेकिन सर्वसम्मति से नेता का नाम नहीं आया। हुड्डा समर्थक विधायकों ने कहा भूपेंद्र हुड्डा ही नेता विपक्ष के लिए सही दावेदार है। सांसद कुमारी सैलजा गुट के विधायकों और रणदीप सुरजेवाला के बेटे विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि आलाकमान फैसला करें। इसके बाद केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने विधायकों से एक एक करके बातचीत शुरू की। इस पर एक रिपोर्ट तैयार होगी जो हाईकमान को सौंपी जाएगी। डॉ साहब ने मीटिंग शुरू होते ही एक लाइन का प्रस्ताव रखा कि सीएलपी लीडर जिसको हाईकमान चाहेगा वो होगा, जिसका उदय बांधी ने समर्थन किया और सभी एमएलए ने उसका समर्थन किया। हूटा बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।